हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया क्रिकेट में स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही न्यूज आ रही है फर्स्ट इंडिया न्यूज की भी, और इससे पहले भी मैंने जानकारी आपको दे दी थी कि 22 तारीख तक आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और यहां पर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी अभी हाल ही में दो ट्वीट करके बता दिया है पूरी जानकारी। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज की भी जानकारी अपन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जानकारी भी देख ली जाए इनकी भी। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा ट्विटर हैंडल है स्टडी आई अकेडमी, मैंने अभी हाल ही में रिट्वीट कर रखा है और यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने देख भी लिया है। तो चलिए जानकारी दिखा देता हूँ मैं, जो दो ट्वीट किए गए थे। ये फर्स्ट ट्वीट देख सकते हो, ये जानकारी यहाँ पर दी गई थी राजस्थान डिस्कॉम से। आज की बड़ी खबर, राजनीतिक अप्रोच नहीं, मेरिट के आधार पर मनचाही पोस्टिंग, हेल्पर सेकंड के 2506 पदों पर नियुक्ति के लिए शुरू होगी काउंसलिंग। 22 अक्टूबर से शुरू होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया, जयपुर डिस्कॉम के मुख्य कार्मिक अधिकारी राकेश शर्मा ने दी जानकारी। काउंसलिंग से मिलेगी हेल्पर सेकंड के पद पर नियुक्ति। जनवरी में आयोजित हुई थी हेल्पर के पद परीक्षा, दिसंबर और जनवरी में हुई थी दोस्तों 2506 पदों के लिए। दस्तावेज जांच प्रक्रिया हो चुकी है आपकी 14 सितंबर तक। तो ये आपकी यह जानकारी थी, आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो जानकारी दी गई थी 2 घंटे पहले की। उसके बाद 22 मिनट पहले फिर जानकारी दिया गया आपके लिए, ये देख सकते हो 22 मिनट पहले यानी कि 5:36 मिनट को फिर एक जानकारी मिली है। तो ये जानकारी भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पर दिखा रखा है डिस्कॉम से में हेल्पर सेकंड के 2506 पदों पर नियुक्ति के लिए 22 अक्टूबर से होगी काउंसलिंग। तो इस पूरी जानकारी को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको और भी समझ में आ जाए काउंसलिंग के अलावा आपकी और क्या प्रक्रिया होनी है। तो चलिए अपन जानकारी देख लेते हैं इस पूरी पोस्ट को खोल करके। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जो न्यूज है वो देख सकते हो, विकास शर्मा जी ने ये जानकारी दी है जो कि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, बिजली कंपनियों में हेल्पर सेकंड के पद पर नौकरी की आस लगाए बैठक, बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जनवरी में आयोजित परीक्षा में सफल हो चुके अभ्यर्थियों के पोस्टिंग देने के लिए 22 अक्टूबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इस काउंसलिंग में खास बात यह होगी, अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर मनचाही पोस्टिंग मिलेगी। आगे जानकारी है, नवम्बर के प्रथम सप्ताह में पोस्टिंग। दरअसल पोस्टिंग प्रक्रिया में किसी तरह की राजनीतिक अप्रोच का काम नहीं आएगी। जिस अभ्यर्थियों का मेरिट में जिस स्थान जगह स्थान है उस हिसाब से खाली जगहों में से ऑप्शन देकर पोस्टिंग दी जाएगी। बतौर नोडल जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने हेल्पर सेकंड के 2506 पदों पर नियुक्ति के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। डिस्कॉम अधिकारी की माने तो काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद संभवतः नवंबर के प्रथम सप्ताह में अभ्यर्थियों की पोस्टिंग दे दी जाएगी। आगे और जानकारी आपकी यहाँ पर, आरक्षण में पेच में चलते बड़ी संख्या में यहाँ पर फंस गई थी है, बड़े पदों की संख्या देखिए यहाँ पर। यहाँ बता दें कि जयपुर जोधपुर अजमेर डिस्कॉम के अलावा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में हेल्पर सेकंड के 2412 पदों के लिए परीक्षा आयोजित थी, लेकिन बाद में आरक्षण के पेच में फंस करके 2506 पद हो गए हैं यहाँ पर, जो कि जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई है। और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए और आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। आगे जानकारी देख सकते हो, यहाँ पर अर्बन सहकारी बैंक में रिक्त पदों को जल्दी भरा जाएगा। नीरज के पवन ने बताया, सीएम अशोक गहलोत ने 75,000 भर्तियों की यहाँ पर बजट किए, अंतिम चरण में चल रही है पटवारियों की, राजस्व मंत्री ने कहा। आगे जानकारी देख सकते हो, 737 पद डॉक्टरों की यहाँ पर जल्दी होगी भर्ती, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको पल पल की अपडेट हमारे चैनल द्वारा मिलती रहती है, हमेशा जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मित्रों। धन्यवाद।